गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इज़ योर इंग्लिश क्लास। बेटा, लास्ट इंग्लिश क्लास में हमने इंग्लिश कम्युनिकेटिव बुक का चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। नाउ टुडे वी विल रीड इंग्लिश ग्रामर बुक। आज हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे। इंग्लिश ग्रामर में हमने पेज नंबर 6 तक चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट किया था। आपका चैप्टर फर्स्ट है द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ओके, आज हम चैप्टर फर्स्ट का सेकेंड टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नाउ कम ऑन पेज नंबर 7 एंड योर टॉपिक इज वोवेल्स एंड कंसोनेंट्स। ठीक है, टॉपिक आपका क्या है? वोवेल्स एंड कंसोनेंट्स। अब आपको सबको वोवेल्स और कंसोनेंट्स के बारे में पता ही होगा, बिकॉज ये हम क्लास फर्स्ट में भी पढ़ चुके हैं, इसलिए। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट। यू नो द इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैज़ 26 लेटर्स। ठीक है, हमारे चैप्टर की सबसे फर्स्ट लाइन क्या थी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं? 26। ये आप सबको पता है। 5 ऑफ दीज आर वोवेल्स। ठीक है, 26 में से अगर हम 5 लेते हैं तो वो वोवेल्स होंगे, ए ई आई ओ यू। ठीक है, आप अपनी 5 फिंगर पर काउंट कर लीजिए और उसे बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिए। देखो, ये जो बॉय है ये अपनी टो की फिंगर, मतलब अपने जो पैर है उनकी फिंगर्स पे लर्न कर रहा है, ए ई आई ओ यू। ओके, यहाँ देखो वो बोल रहा है ए ई आई ओ यू। तो आपको इसी सीक्वेंस में इसको लर्न करना है। वोवेल्स कौन कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू। देन जब हम 26 में से 5 माइनस कर देंगे, ये 5 वोवेल्स हमने माइनस कर दिए, तो हमारे पास 21 कॉन्सोनेंट्स बचे। ठीक है, हाउ मैनी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स आर लेफ्ट? 21। और वही 21 जो अल्फ़ाबेट्स है उनको क्या कहेंगे? कॉन्सोनेंट्स। द अदर 21 आर कॉन्सोनेंट्स। ए ई आई ओ यू को हटा दो, बाकी जो ए बी सी डी है आपकी ए से लेके झेड तक, उसमें अब ये क्या आ जाएंगे? कॉन्सोनेंट्स आ जाएंगे, बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, इस वाले बॉक्स में आप देखेंगे आपको ए ई आई ओ यू ये 5 अल्फ़ाबेट नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये क्या है? हमारे वोवेल्स हैं। वी यूज़ अ, ठीक है, ये ब्लैक में लिखा है, मतलब वी यूज़ ए, जो ए होता है, बिफोर अ वर्ड बिगनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है, लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनेंगे कि जो आर्टिकल्स होते हैं ए एन एन, तो ये जो आपका ए है ना, ये किसके पहले यूज़ होगा बेटा? जो वर्ड का साउंड आपका कॉन्सोनेंट्स अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो रहा है, हमको साउंड देखना है उसका। साउंड मतलब आवाज़, हम बोल के देखेंगे ना, जैसे बी है तो ब, हम क्या देखेंगे? ब आ रहा है, क आ रहा है, स आ रहा है, द आ रहा है, ह आ रहा है, हमको उसका साउंड देखना है, ना कि हमको उसका अल्फ़ाबेट देखना है। ठीक है, जैसे अ मैन, तो मैन का क्या आ रहा है? म, एम एन मैन। और अगर हम यहाँ देखते तो मैन किससे स्टार्ट हो रहा है? म से। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, स्वर एंड व्यंजन, वोवेल्स जो होते हैं उनको हिंदी में कहा जाता है स्वर, और कॉन्सोनेंट्स को कहा जाता है व्यंजन। तो स्वर क्या क्या होते हैं हिंदी में? अ से अह तक, अगर अ से अह तक का साउंड आएगा तो वो आपका वोवेल्स होगा, और क से ज्ञ तक का साउंड आएगा लेटर के स्टार्ट होने पर, तो वो आपका कॉन्सोनेंट होगा। ओके, तो अ मैन, म आ रहा है, म किधर आएगा? क से ज्ञ में, तो अ लगा दिया हमने। अ चेयर, तो क्या आ रहा है? हमको सी नहीं देखना है, चेयर, च से स्टार्ट हो रहा है, ये वर्ड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? च से, तो च किधर आता है? क से लेके ज्ञ तक व्यंजन में आता है। ओके, तो आप क्या करेंगे? च के पहले अ लगाएंगे। अब आप सोचोगे मैम तो हिंदी और इंग्लिश मिक्स कर रही है। नहीं, ठीक है, यहाँ हमको बेटा साउंड देखना है, इसलिए हम हिंदी की जो अनाराम है क ख ग घ है उसको भी हम साथ में लेके चलेंगे। ओके, तो आपको बहुत अच्छे से और इजीली समझ में आएगा, आप कभी भी इसमें मिस्टेक नहीं करेंगे। अब यहाँ क्या लिखा है? देखो, अ यूनिकॉर्न। अब आप क्या सोचेंगे कि यूनिकॉर्न लिखा है मैम, यू आ रहा है, यू तो वोवेल है, फिर यू के पहले अ क्यों लगाया, एन आना चाहिए? तो नहीं, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि आपको इसका साउंड देखना है। यूनिकॉर्न, तो क्या आ रहा है? य,
य आ रहा है ना, तो य कहाँ आता है, क से लेकर ज्ञ तक, तो यूनिकॉर्न के पहले आप क्या लगाएंगे, अ टेबल, अ वूमेन, अ यूजफुल बुक, यहाँ पर फिर यू आ गया। अब आप बोलेंगे यू तो वॉवेल है, नहीं, यू क्या है, य क्या है हमारा, क से लेकर ज्ञ तक आ रहा है, व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, तो हम उसके पहले क्या लगाएंगे, अ लगाएंगे। नाउ वी यूज एन बिफोर अ वर्ड बिगनिंग विथ अ वॉवेल साउंड। अब हमको वॉवेल का साउंड देखना है, एन एग है ना, यहाँ पर ई दिया है लेकिन साउंड क्या आ रहा है, एग, ए, ए एडी का, तो ए एडी का कहाँ आता है, अ से लेके अ तक आता है ना, तो आप एन एग, एन इग्लू, ई, ई क्या है, ई इमली क्या है, स्वर है, तो ई के पहले हमने एन लगा दिया। एन आवर, इसको आप पढ़ेंगे एच ओ यू आर, एच तो कॉन्सोनेंट है लेकिन इसका जो साउंड आ रहा है पढ़ने पर, एन आर, इसको हम पढ़ते हैं आर, इसमें एच साइलेंट होता है, तो आप इसको क्या पढ़ेंगे, एन आर, और आ कहाँ आता है, स्वर में, वोवेल में आता है, तो वो क्या हो जाएगा, एन, यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, आर के पहले एन। एन आउल, फिर से आ गया, एन आउल, एन एप्पल, ए आ गया, एन अम्ब्रेला, देखो यहाँ पर यू दिया है लेकिन इसका साउंड क्या आ रहा है, अम्ब्रेला, है ना, ऐसे ही ऊपर आपको यहाँ दोनों जगह यू दिया था लेकिन ये इनका जो वर्ड है ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा था, य से, यूनिकॉर्न, यूजफुल, बट ये यूम्ब्रेला, ये यू से स्टार्ट नहीं हो रही, ये अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला के पहले हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जहाँ साउंड में स्वर आएगा अ से लेके अह तक आएगा उसके पहले हम एन का यूज करेंगे, और जहाँ व्यंजन आएंगे, कॉन्सोनेंट आएंगे साउंड में, उनका जो बोलने पर साउंड निकल रहा है अगर वो कॉन्सोनेंट है, आपके व्यंजन है, तो आप ए यूज़ करेंगे। ओके, अब नीचे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, देखो, पुट ए और एन विद द फॉलोइंग। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये आपको कंप्लीट करना है। जैसे एग है तो एग के पहले क्या आएगा, एन, और यहाँ बिग एग है तो अब यहाँ साउंड चेंज हो गया बेटा, एग के पहले बिग लग गया तो यहाँ पर अ आ जाएगा, तो यहाँ आप एन लिखेंगे, यहाँ पर अ लिखेंगे, ठीक है। जैसे ऐसे ही एप्पल है तो एन एप्पल होगा, बट यहाँ क्या लिखा है, रेड एप्पल, तो यहाँ तो र आ गया तो यहाँ अ आ जाएगा, एन एप्पल और अ रेड एप्पल। अब यहाँ क्या है, लायन, लायन के पहले आप क्या लिखोगे, ल आ रहा है, अ लायन, ठीक। यहाँ पर क्या है, एंग्री, ए आ रहा है, एंग्री लायन, तो आप क्या लिखोगे, एन एंग्री लायन, ठीक है। ये थ्री आपको करना है। नाउ पेज नंबर 8 पर जो एक्सरसाइज है, फिल इन द ब्लैंक्स विद ए और एन, ये भी ए और एन पर बेस्ड है, इसे भी आप कंप्लीट करेंगे, ट्राई करेंगे, और अगर फिर भी नहीं आपको आता है तो पीछे आंसर की से आप इसको कंप्लीट करेंगे। मैंने आपको ए और एन बहुत अच्छे से समझा दिया है, अब जो एक्सरसाइज है वो आपको खुद करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है, चूज सुटेबल वर्ड्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेस, यूज ए एन विथ ईच वर्ड, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, कुछ सेंटेंस दिए हैं, इनको आपको कंप्लीट करना है। जैसे अ फ्लाई इज, अब फ्लाई कौन करेगा, इधर आपको हेल्पिंग बॉक्स में क्या दिए हैं, वर्ड्स दिए हैं, इंसेक्ट, जो कीड़ा है वो क्या करेगा, फ्लाई करेगा, और ई, ई आ रहा है ना, इंसेक्ट, तो ई के पहले आप क्या लगेंगे, एन, तो अ फ्लाई इज एन इंसेक्ट। एन एक्स इज, ओके, तो एक्स क्या करेगी, एन एक्स इज, एक्स क्या है, एक कुल्हाड़ी है, कुल्हाड़ी को एक्स कहते हैं, तो ये क्या है, टूल है, तो ये क्या है, अ टूल, यहाँ से आप ढूंढ के लिखेंगे, एन एक्स इज टूल। अ केक इज, ओके, केक क्या है, फूड आइटम है ना, खाने की चीज़ है, तो आप क्या लिखेंगे, अ केक इज अ एफ आर एफ फूड आइटम। ए और एन लगाना है आपको इनके पहले, ये जो वर्ड्स दिए ना इनके पहले आपको यहाँ पर लिखने से पहले ए और एन लगाना है, तो अ केक इज अ फूड आइटम, ओके। तो बाकी की जो है वो आपको आंसर की से कंप्लीट करना है, वैसे तो आपको समझ में आएगा क्योंकि साइड में आपको क्या दिया है, हेल्पिंग बॉक्स दे रखा है। देन पेज नंबर 9,
ठीक है, पेज नंबर 8 आपको बुक में ही करना है, पेज नंबर 7 भी आपको बुक में करना है, इसमें आपको कॉपी में कुछ नहीं करना है बेटा, सब बुक में ही करना है। देन पेज नंबर 9 पर दिया से व्हाट यू सी इन ईच पिक्चर, ठीक है, ये आपको बोल के देखना है। यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स दी हुई है, साथ में नीचे आपको हेल्पिंग बॉक्स में आपको ये जो यहाँ पर जो पिक्चर्स बनी है ना उसके वर्ड्स भी दिए हुए हैं। अब इनके पहले ए आएगा या एन आएगा ये आपको रीड करके देखना है, इसमें आपको लिखना कुछ नहीं है, ठीक है। दिस इज अ, अब ये क्या है, रेट है, तो दिस इज अ रेट, आर ए टी रेट होता है, ठीक है, या फिर माउस भी लिख सकते हो आप इसको, तो दिस इज अ माउस, ओके। और जिसके पहले एन आएगा तो यहाँ पर आप एन वाला बोल के देखेंगे, जैसे दिस ये गॉट है तो आप क्या बोलेंगे, दिस इज अ गॉट, सॉरी शेप, दिस इज अ शेप। अगर ऑक्स है आपको यहाँ पर देखो ऑक्स बना है, ऑक्स में ओ आ रहा है, स्वर आ रहा है, तो दिस इज एन ऑक्स, क्या बोलेंगे आप, दिस इज एन ऑक्स। तो ये सिर्फ आपको रीड करके देखना है, दिस इज लगाना है, ए और एन लगाना है, और इनके जो नेम्स है वो आपको नीचे हेल्पिंग बॉक्स में दिए हुए हैं, तो आप ये सिर्फ बोल बोल के ट्राई करेंगे, यहाँ तक आप अपनी ग्रामर की एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट करके रखेंगे। पेज नंबर 7 और 8 आपको बुक में ही करना है, ओके। नहीं समझ में आता है तो पीछे आपको बुक के पीछे आंसर की दी है, आप उसमें से अपना वर्क कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू।